आज जीत हुई है, तमाम छात्रों की जीत है इस कैंपस में। जो भी छात्र इस कैंपस में समझते हैं कि अगर फी हाइक के खिलाफ कोई लड़ सकता है और लड़ा है तो इस कैंपस में लेफ्ट है, जो इंश्योर करवाता है कि सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई का, जो इंश्योर करवाता है सबको हॉस्टल दिलाने का, तो उस इंश्योरिटी के लिए इस कैंपस के छात्रों ने लेफ्ट पर भरोसा जताया है। और ये आज से नहीं जता रहे हैं, ये पिछले कई दशकों से जगाते आ रहे हैं लेफ्ट पे, और लेफ्ट लड़ते भी आया है। इस कैंपस में जो लगातार वायलेंस हुए हैं एवीवीपी के द्वारा, आरएसएस के गुंडों के द्वारा, 5 जनवरी के आरएसएस के गुंडे इस कैंपस में घुसते हैं, छात्रों को, कॉमन छात्रों को मारते हैं, 9 तारीख के जो इस कैंपस में यूजीबीएम हो रहा था उसमें एवीपी के जो गुंडे रहते हैं वो मारते हैं कॉमन छात्रों को, किसी का सर फटता है, किसी का हाथ टूटता है। आप देखिएगा कि उस वायलेंस के प्रति, वायलेंस के खिलाफ जो आवाज बनी वो वोट में तब्दील हुई है, क्योंकि उनको नकारा गया है पूरी तरह से। वो जिस तरह से एक्सपोज हुए वो तमाम तरीके से, उसके खिलाफ ये वोट की गई है और हमारे पक्ष में की गई है, क्योंकि हम उस वक्त भी तमाम कॉमन छात्रों की आवाज थे, हैं और रहेंगे। इसके साथ हम देखते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं कि इस कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर बेहतरी हो, इस कैंपस में जिस तरह की बिल्डिंगों की, हॉस्टलों की हालत स्थिति हो गई है, बहुत जर्जर स्थिति में है, उसकी मरम्मत हो, उसकी बेहतर ढंग से मरम्मत हो, पैसा ना खाया जाए उसका, ये भी एक हमारी मांग है। दूसरी बात यह है कि इस कैंपस को और इंक्लूसिव बनाया जाए। जो तमाम पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है, सड़कें जिस तरह से हो गई है वो इंक्लूसिव नहीं लगता है कि ये कैंपस चाहता है, इस कैंपस का प्रशासन चाहता है कि सब आए इस कैंपस में पढ़ने के लिए। तो कैंपस थोड़ा इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, सब आ सके पढ़ने के लिए।